फेवरेट हीरो, बहुत हैंडसम है, मेरा फेवरेट हीरो है टाइगर श्रॉफ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। आई लाइक टाइगर श्रॉफ, आई लव टाइगर श्रॉफ। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया, ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा था, बहुत एंटरटेनिंग था। मुझे रोहन और बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और उसका टीम भी, गाने भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है फिल्म, मतलब 10 out of 10 है। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मस्त था फिल्म, देखने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रॉकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को, और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज शुक्रवार है और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शुक्रवार को कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है। ऐसा ही एक फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जो आज रिलीज हुई है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया जैसी इसमें मौजूद हैं। आज हम करेंगे इस फिल्म को लेकर दर्शकों से बातचीत, आखिर कैसी लगी फिल्म, क्या है उनका रिव्यू, तो करते हैं उनसे खास बातचीत। कैसी लगी मूवी? ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा था, बहुत एंटरटेनिंग था। सबसे अच्छा लगा मेरे को तो टाइगर श्रॉफ का अच्छा लगा, और टाइगर श्रॉफ अच्छा लगा, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया, अनन्या पांडे का भी काफी अच्छा रोल था उसमें, बहुत अच्छा था। आपको कैसी लगी? मुझे रोहन और बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और उसका टीम भी। आपने पहला भाग देखा था क्या? यस, हाँ, उससे बेहतर है, हाँ कह सकते हो। कितना अंक देना चाहेंगे आप इसको? 10 में से कितना देना चाहेंगे? 9। कैसी लगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर? फिल्म बहुत अच्छा है, और गाने भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है फिल्म, मतलब 10 out of 10 है। इसमें अनन्या पांडे और तारा सुतारिया आज इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो उनका काम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। कैसी लगी मूवी? सुपर। कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी थी। कितना अंक देना चाहेंगे इसको? क्या? टेन अप टू सिक्स। आपको कैसी लगी? 10 out of 5, अच्छी थी, बट उतना कुछ खास नहीं। तारिया और अनन्या पांडे की इंट्रोड्यूसिंग हुई है इसमें, तो उनका काम कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन कुछ खास नहीं। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, 3 star देना चाहेंगे मूवी। तारा सुतारिया और अनन्या पांडे इंट्रोड्यूस हुई है, तो इनमें उनका काम कैसा लगा? काम दोनों का मस्त किया काम, जहाँ तक है अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप इसमें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? इसमें 10। दस। आपको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? रोहन का। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। इसमें तारा सुतारिया और अनन्या पांडे इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसमें दोनों में से किनका काम ज्यादा अच्छा लगा? दोनों का तारा। अच्छा, ये टाइगर श्रॉफ का कैसा रहा काम? बहुत अच्छा, रॉकिंग। अच्छा, आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे फिल्म को? 10 out of 10। अच्छी थी मूवी। इसमें सबसे बेहतर काम आपको किसका लगा? जैगी श्रॉफ का। टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। अच्छा, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया में से कौन, दोनों की पहली फिल्म थी, दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा काम किया? दोनों अच्छी थी। अनन्या पांडे, अनन्या पांडे। 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे इस मूवी को? 10 में से 20 देंगे। 10 में से 20 देंगे। चलिए, आप बताइए आपको कैसी लगी ये? ऑसम। ऑसम लगी। कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी थी फिल्म। सबसे खास बात क्या थी इस मूवी में, क्या अच्छा लगा जो लोग को पसंद? इसका ड्रामा, रोमांटिक सीन, बहुत कुछ अच्छा था इसका, सब कुछ अच्छा था। दोनों हीरोइन के साथ जो टाइगर श्रॉफ है, उनका जोड़ी कैसा लगा? एक थी, एक पांडे थे कोई, उसके साथ जोड़ी, इसका अच्छा लग रहा था। मूवी बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी मूवी थी। टाइगर श्रॉफ कैसा लगा? टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छे लगे, उनका स्टंट, एक्शन, डांस, मूव, सब चीज बहुत अच्छा था। और इसमें दो दो हीरोइन हैं, तो आज पहली बार फिल्म आई है, तो उनका काम कैसा लगा? बहुत अच्छा ही था उसका, हाँ बहुत ही अच्छा था उसका। 10 में से कितना देना चाहेंगे? क्या था? 10 में से 8। कैसी लगी आप लोगों को? बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी, मेरा फेवरेट हीरो, बहुत हैंडसम है, मेरा फेवरेट हीरो है टाइगर श्रॉफ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। आई लाइक टाइगर श्रॉफ, आई लव टाइगर श्रॉफ। अच्छा, इसमें दो दो हीरोइन जो है, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया का इंट्रोड्यूसिंग हुआ है इसमें, तो दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर काम किया? दोनों में से ज्यादा बेहतर बेस्ट तो दोनों का था, बट अनन्या पांडे का ज्यादा था। अच्छा, आप बताइए 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से 10 out of 10। अच्छा, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी, बहुत मजा। सबसे खास बात आपको क्या लगा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी और उसकी जीतने की लगन, उसमें जो टाइगर श्रॉफ जो जीत रहे, मतलब उस खेलने का स्टाइल लाइक दिस अमेजिंग। चलिए, आप बताइए कि इसमें कुछ सीखने की चीज है क्या? स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है, तो क्या लोग सीख सकते हैं इससे? इसमें मेन सिखाने गया हूँ
एक लड़की है उसका शादी वही। आई लव दिस मूवी, आई लव दिस मूवी। और इसमें सबसे बेहतर काम किसका लगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ के साथ दो दो नई हीरोइनें हैं, तो उनका काम कैसा लगा? दोनों न्यू कमर हैं, तो अभी तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ठीक ही होगा। ये डेब्यू तो काफ़ी शानदार दोनों की है, और टाइगर श्रॉफ तो तकरीबन 5 साल से हैं इंडस्ट्री में। 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे आप? 10 में से कितना अंक? मैं 8 देना चाहूँगा। बहुत मस्त था फिल्म, देखने में बहुत मज़ा आया, और कुछ नया कहानी था देखने को मिला, कुछ नया कहानी जिसमें मतलब बहुत ही मज़ा आया। मतलब 10 में से आपको मतलब 10 क्या मतलब 100 नंबर दे दीजिए भैया, आप 100 नंबर दे दीजिए। ये बताइए, इसमें दो दो हीरोइने जो हैं अनन्या पांडे और तारा सुतारिया, दोनों पहली बार फिल्मों में आई हैं। दोनों पहली बार आई हैं, दोनों का बहुत अच्छा लगा, दोनों ही बहुत बहुत बताएंगे। आपको कैसी लगी मूवी? मुझे बहुत अमेजिंग मूवी लगी, स्टूडेंट ऑफ ईयर पार्ट 1 से बहुत अच्छी मूवी थी पार्ट 2। यहाँ पर दो दो हीरोइनों का काम कैसा लगा? अच्छा लगा, अनन्या पांडे का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से मैं 10 देना चाहूँगा पूरा। आप बताएं। मुझे भी ऑसम मूवी लगी, मूवी बहुत अच्छा है, उसका स्टोरी भी अच्छा है, टाइमलाइन मतलब जितना एक तरह से पूरा एक्टिंग अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को लेकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह है, लोग देखकर निकल रहे हैं, इसको लेकर कई मिली जुली प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को काफ़ी अच्छी लगी है मूवी, और उन्होंने अपने तरफ से इस मूवी को अंक भी दिया है। आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएँ। धन्यवाद।